हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति पावा अपनी खट्टी मीठी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी मोमोज, जो कि बनाएंगे हम बहुत हेल्दी। इसे हम बनाएंगे स्पिनिच के साथ और सोयाबीन के साथ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाना भी इजी है। तो आइए मेरे साथ मेरी खट्टी मीठी रसोई में इसे बनाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। स्पिनिच मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए पालक। पालक को मैंने उबाल करके पीस लिया है, एक प्यूरी तैयार कर ली है। यहाँ पर अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक कटोरी डालेंगे मैदा। यहाँ पे हमने एक कटोरी मैदा लिया है, आपको जितनी आवश्यकता हो आप उतना ले सकते हैं। अब हम प्यूरी को छान करके इसमें हम डालेंगे, इसका जो पानी होता है वो हम डालेंगे। डायरेक्ट प्यूरी नहीं डालेंगे, हमें इसका पानी यूज करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें पानी यूज नहीं कर रहे, प्यूरी ही डाल रहे हैं। प्यूरी का जो पानी है वो डाल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें नमक मिला लेंगे, चाहें तो आप नमक पहले मिला सकते हैं, फिर आप पानी डालिए। यहाँ पे मैं एक कटोरी में पहले पानी निकाल रही हूँ, फिर हम डालेंगे। जितनी आवश्यकता होगी उतना हम यूज़ करेंगे। इसी से ही हम आटा गूंदेंगे। एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे हम। ये देखिए, हमने ऐसे इसको गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 15 से 20 मिनट रखेंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। इसे ढक देंगे 20 मिनट के लिए। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, हम इधर स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है सोयाबीन की, ये चूरा लिया है। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ सोयाबीन का चूरा, ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। इसे हम अच्छी तरह से भिगो करके रखेंगे। पहले आप अच्छे से धो लीजिए, फिर भिगो करके रख दीजिए 15 से 20 मिनट। और यहाँ पे मैंने ली है 4-5 कलियाँ लहसुन की, जिसे मैंने ग्रेट कर रखा है। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न लिए हैं और एक गाजर ली है जिसे बारीक चॉप कर रखा है। और 2 लिए हैं हरी मिर्च जिसे बारीक कर रखा है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और जो गार्लिक ग्रेट करके रखा था वो डालेंगे। अच्छे से सौते करेंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे ग्रीन चिल्ली।
कैरेट और कॉर्न भी हम इसी में डाल देंगे। एक मिनट इसको सौते करेंगे और अब हम डालेंगे इसमें भीगा हुआ सोयाबीन, इसको भी अच्छे से सौते करेंगे। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें हम मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैं काली मिर्च ले रही हूँ, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालेंगे हम 1/4 चम्मच। इसमें हल्के मसाले ही अच्छे लगते हैं, मोमोज में हमेशा हल्के मसाले अच्छे लगते हैं क्योंकि इसकी स्पाइसी चटनी होती है। और स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक, अगर आप मोमोज में भी मसाले बहुत सारे डाल देंगे और चटनी में भी मिर्ची डाल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसके अंदर हल्के मसाले रखेंगे, चटनी हमारी स्पाइसी होगी। इसको अच्छे से हम भूनेंगे, चाहे तो आप इसमें ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ओरिगैनो में नमक होता है तो आप ध्यान से डालिए, अगर आप मसाले वाला नमक ओरिगैनो ले रहे हैं तो। अब यहाँ पे हम अपने डो को देख लेते हैं, इसको अच्छे से मस लेंगे, इसकी अच्छे से मसाज करेंगे। आप जितनी ज़्यादा मसाज करेंगे उतना ही आपके मोमोज बहुत बढ़िया बनेंगे। इससे पहले भी मैंने कई सारे मोमोज बना रखे हैं अलग अलग तरीके से, आप उसमें से देख लीजिए। चटनी की रेसिपी भी बहुत सारी डाली हुई है तो आप सब ट्राई कर सकते हैं। अब ये हमारा आटा तैयार हो गया है, अब इसमें से हम एक पेड़ा लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लेते हैं वैसा एक बड़ा पेड़ा लेंगे। इसको अच्छे से रोल करेंगे, फिर जैसे रोटी बनाते हैं वैसे हम बेलेंगे। हर तरफ से बराबर से आए, हमें इसकी एक पतली रोटी बेलनी है बड़ी सी। ये देखिए हमने एक पतली सी रोटी बेल ली है, सब तरफ से बराबर से हम करेंगे। अब हम एक कटोरी की मदद से इसके गोल आकार काट लेंगे, ध्यान से करेंगे। एक बार और अच्छे से दबा करके इसको हम काटेंगे ताकि ये अच्छे से कट जाए। इससे एक साथ 4 रोटी बन जाती है छोटी छोटी। तो आप चाहे तो ये वाला मेथड भी अपना सकते हैं और चाहे तो छोटी छोटी सी रोटियां बना करके रख लीजिए। यहाँ पे मैं एक के ऊपर एक रख रही हूँ। थोड़ा सा आटा लगा लीजिए पहले, फिर रखिए, चिपकेंगी नहीं। अब जो ये हमारा आटा बच गया है उसको हम दोबारा से रोल करेंगे और फिर हम बना लेंगे फिर दोबारा से रोटी। अब एक साइड इसको रखेंगे, आप इसको ढक करके रखिए ताकि इसे सूखे ना।
अब आपको दूसरा मेथड दिखा रही हूँ, आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटी सी लोई ले रही हूँ और उसको मैं छोटा छोटा बेल रही हूँ। पहले तो हमने बड़ी रोटी लेकर के उसके अंदर से छोटे छोटे गोलक रोटियाँ निकाली थी, यहाँ पे मैं छोटी लोई लेकर के छोटी छोटी रोटियाँ बना करके रख रही हूँ। अब हम स्टफिंग भरेंगे इसमें। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जो इजी लगता है वो बना लीजिए। अब वो रोटी लेकर के हम उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। फिर बीच में हम दबाएंगे और उसको नीचे रख लेंगे ताकि आसानी से हमारी शेप आ जाए। और फिर जो हमने बीच में लगाया था उसी के साथ चिपका देंगे अपनी ये देखिए, ऐसे बीच में से उठा के फिर साइडों से चिपका देंगे। ये बहुत आसान तरीका है बनाने का। फिर हमने ये उठाया, स्टफिंग भरी, आप सबसे पहले बीच में से इसको सील कीजिए ताकि हमारी स्टफिंग इधर उधर फैले ना। जब इसको अच्छे से दबा करके कीजिए, वैसे तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपने पानी लगाना है तो लगा लीजिए। पानी लगाने के बाद बीच में से हम दोनों सिरों को जोड़ेंगे आपस में, अच्छे से दबा कर ये काम कीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और फिर जो हमारा नीचे वाला पार्ट था उसको ऊपर लाएंगे, उसके साथ दोनों को चिपका देंगे। ऐसे ही हम सारे बना करके रख लेंगे। बस सभी को हम ऐसे बना लेंगे। बस ध्यान रहे सब सिरे एक दूसरे के साथ चिपकाएं अच्छे से, और ताकि स्टीम करते वक्त खुले ना। अब हम पानी गरम करेंगे स्टीमर में, ढक्कन लगा करके पानी उबालेंगे पहले, और दूसरे में ग्रीस करके अपने मोमोज को रखेंगे। ध्यान रहे ये एक दूसरे के साथ चिपके ना, और ढक्कन लगा करके इसको रखेंगे। यहाँ पे हम 15 मिनट के लिए स्टीम करने रखेंगे। पहले हम इसको हाफ स्टीम करके रख लेंगे। ये देखिए, पहले हम इसको हाफ स्टीम करके रखेंगे। फिर दोबारा से थोड़ी देर टाइम देने के बाद हम इसको दोबारा से स्टीम करेंगे। फिर दोबारा से इसको हम स्टीम करेंगे। अभी हमारे ठीक से स्टीम नहीं हुए हैं। अब ढक्कन लगा करके इसको हम दोबारा स्टीम करेंगे। आपने देखा होगा बाजार वाले जो होते हैं वो पहले से हाफ स्टीम करके रख लेते हैं, फिर हम जब लेने जाते हैं तब दोबारा से वो स्टीम करते हैं। तो अब हमारे स्टीम हो गए थे तो इसको हम निकाल लेंगे। ध्यान से निकालेंगे, हमारे टूटे ना ये। तो आपको जब भी खाने का मन हो तो पहले आप हाफ स्टीम करके रख लीजिए, और जब आप खाने बैठे तब उसको दोबारा से स्टीम कीजिए, तब आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिए और ओरिगेनो के साथ। ओरिगेनो और हरे धनिया का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है इसके अंदर। आप एक बार मेरी ये रेसिपी बना के जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल अलग तरह के और बहुत बढ़िया हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसके साथ हम खाएंगे रेड वाली चटनी, गार्लिक वाली और मेयोनीज। मैंने इससे पहले जो मोमोज बनाए थे उसमें कई सारे डिप्स बनाए हैं, तो आप वो भी देख लीजिए, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो आप चटनी की रेसिपी उसमें से देख लीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।